15 से 21 जून तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर पर। बस्ती में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 15 से 20 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। योग गुरु योगा अभ्यास कराएंगे, इसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रमों की तैयारियों जिले में की जा रही है, जहां 15 से 20 जून तक योग सप्ताह का आयोजन व्यापक स्तर पर होगा। योग सप्ताह में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों स्वयंसेवी संस्थाएं योग संस्थाएं हिस्सा लेंगे, उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। रोज सुबह योगाभ्यास कराया जाए। योग दिवस 21 जून को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार 45 मिनट तक योगाभ्यास का आयोजन होगा। जनपद के पंचायत स्तर, ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर, विभिन्न पार्कों, सार्वजनिक स्थानों पर योगाभ्यास कराया जाएगा। अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार ही योग का अभ्यास करना चाहिए, किसी भी अनावश्यक बल का प्रयोग न करें। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं निगरानी अधिकारी ने बताया कि तैयारियां तेज हैं। संवाददाता सचिन कुमार। आगामी 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, उसी की तैयारी की दृष्टि से, उसी में लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से, लोगों को प्रेरित करने की दृष्टि से आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें एक सप्ताह का योग शिविर पूरे जनपद में चलाया जाएगा, जो आज से ही प्रारंभ हो गया है। उसी के लिए यहाँ पर आज आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। एक सप्ताह तक जनपद में ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर योग के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इसी प्रकार का आयोजन। इक्कीस जून को एक जनपद स्तर का कार्यक्रम प्रतिवर्ष अपने शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में होता है, इस बार भी होगा, तहसील स्तर पर भी होगा, ब्लॉक स्तर पर भी होगा, लेकिन जिला केंद्र पर स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इस प्रकार की तैयारी कोई और लोग आने देखिए, अपने जनपद के अधिकांश लोग रहेंगे निश्चित तौर से, उसमें हर बार कोई ना कोई हमारा मुख्य अतिथि रहता है, कभी प्रभारी मंत्री रहते हैं, कभी कुछ और शासन द्वारा निर्धारित होंगे आएंगे। ये आज कार्यक्रम रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है सर? आज जो कार्यक्रम सुबह 6 से 7 योगाभ्यास हुआ है और सुबह 11 बजे से जो भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष महोदय श्री विवेकानंद जी के हाथों द्वारा उद्घाटन हुआ है कि आज प्रत्येक ब्लॉक के सुबह 6 से लेकर 7 सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम है और 3 से 5 स्वास्थ्य पे संगोष्ठी चर्चा कार्यक्रम है, पर डे का इस तरह कार्यक्रम निर्धारित है। कितने लोग इसमें अपना योगदान कर रहे हैं? आज लगभग यहाँ पे जो उद्घाटन लगभग 100-400 लोग हैं उनकी संख्या के। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर इंद्र बहादुर है, इसमें प्रभात दे रहे हैं, यहाँ का क्षेत्रीय अधिकारी में प्रभात में कार्य कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम रखा गया है, क्या इसका सर उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना, जन सामान्य तक पहुंचाना, जो अंतिम पायदान तक हमारा व्यक्ति है, जो हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के परेशान है, बीमारियों से पीड़ित है, उसको स्वस्थ रखना और उसकी जीवनचर्या को अच्छा बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर इसमें कितने लोग आज भागीदारी किए हैं? अब इसमें देखिए, ये कार्यक्रम सुबह 6 से 7 तक विभिन्न केंद्रों पर चल रहा, तो वो जो योग प्रशिक्षक है अपने स्तर से कहीं 100, कहीं 150, कहीं 50, इस तरह का शाम तक ये कार्यक्रम की लिस्ट आने पर ये लगभग 1000 तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में यहाँ लगभग 100 से 150 आदमियों ने प्रतिभाग किया है। सर ग्राम सभा में और ब्लॉक पे भी इसका आयोजन किया जाएगा, सर उसके लिए क्या तैयारी की गई है? इसके लिए तैयारी ये है कि हमारा जो योग प्रशिक्षक है वहाँ पे उसको संबंधित अधिकारियों की सूची और फोन नंबर शेयर कर दिए गए हैं, उनसे वो संपर्क करके और उपस्थित भीड़ को नियमित योगाभ्यास कराएंगे। इसमें मेडिकल कॉलेज भी है, इसमें ब्लॉक लेवल भी है, उसमें जिला पंचायत भी है और हमारी एक थीम रखी गई है जिसमें जैसे उच्च रक्तचाप में योग, इस तरह से हमारे चिकित्सक भी उसमें संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा बच्चों में या अन्य उसमें विद्यालयों में उनको भागीदारी बढ़ाने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पोखरा बाजार।